एक विशेष प्रयोजन से बुलाई गई है। मुझे अनुभव होता है कि युवराज दुर्योधन को सम्राट पद पर बैठाने का समय आ गया है। परंतु क्यों महाराज, ऐसी क्या आवश्यकता आ गई? सबसे बड़ी समस्या समय की है ताक्षरी। कल रात्रि मैंने एक स्वप्न देखा जिसमें मुझे आभास हुआ कि मेरे संन्यास का समय निकट है। सम्राट जब संन्यास ले तो उत्तराधिकारी को सिंहासन संभालना ही होता है। बड़ी इच्छा थी कि अनुज पांडु का पुत्र कुरुवंश का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर साम्राज्य संभाले, पर नियंदी ने उसे हमसे छीन ली। युधिष्ठिर के पश्चात मेरा मन अब विरक्त होने लगा है ताक्षरी, और राजा जब विरक्त हो तो उसे सिंहासन त्याग देना ही उचित होता है। बताइए, क्या मेरा यह निर्णय अनुचित था? क्या युधिष्ठिर के काल कल्वित हो जाने के पश्चात युवराज दुर्योधन को सम्राट पद दे देना अनुचित है? यदि नहीं तो मैं दुर्योधन को सम्राट पद देता हूं। मंगलीर्यं वधूलिमां समेतपश्यत् सौभाग्यस्मै दत्त्वाया हस्तं विपरेतन् गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरा दष्टियथ सः भर्गो अरियमा सविता पुरंधिर्मयं त्वा दुर्गार्हपत्याय देवः। दीर्घायु भव। एना पत्या तन्वं संसीजस्वाधा चित्री विदधमा सौभाग्यवती भव। आयुष्मान भव। अपने जीवन का प्रयोजन सिद्ध कर। मैं आपसे पहली बार मिला हूं वासुदेव, परंतु न जाने क्यों ऐसा लगता है कि आपकी कृपा सदा रही है।
हम अपने जीवन की यात्रा का प्रारंभ करने के लिए प्रस्तुत हैं वासुदेव। आशीर्वाद दीजिए और विदा भी। सहयात्री आशीष नहीं देता, साथ देता है पास। यात्रा तुम्हारी नहीं, हमारी प्रारंभ होने वाली है। मैं आपका तात्पर्य समझा नहीं वासुदेव। अग्नि वायु से विदा नहीं लेती, क्योंकि दोनों का संगम ताप उत्पन्न करता है। जल धारा से विदा नहीं लेता, क्योंकि उसे पुनः धारा से मिलना होता है। जिन्हें बार बार मिलना है वो विदा नहीं लेते। अर्थात मुझसे विदा ना लो पार, अगले मिलन की तैयारी करो। मेरे जन्म पर आपने कहा था कि मेरे जीवन का लक्ष्य अर्जुन से विवाह से कहीं अधिक है। आज मुझे ये अनुभव हो रहा है कि वो लक्ष्य निकट है। निकट तो नया युग है सखी, जिसकी आधारशिला तुम्हें रखनी है। एक वचन दे सकते हैं मधुसूदन? बिना जाने वचन कैसे दे सकता हूँ? क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए। वचन देता कि मैं तुम्हारे साथ रहूं ना रहूं, परंतु तुम्हारे साथ सदा रहूंगा। आपका साथ मुझे जीवन की यात्रा पूर्ण करने का साहस देता रहेगा सखा। अपनी भूल का पश्चाताप हो रहा है, इसका क्या कारण है? धरा से उत्पन्न फल को अंततः धरा पर गिरना होता है भुवश्री। प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कर्म अपने परिणाम साथ लाते हैं। समय लगे, परंतु वो परिणाम इसी धरा पर इसी जन्म में भोगने होते हैं। आपने भी अज्ञातवास बहुत भोग लिया बुआश्री। अब समय आ गया है कि आपका और आपके पुत्रों का परिचय संसार के समक्ष ले आया जाए। आप चाहते हैं कि हम हस्तिनापुर लौट जाएं? नहीं, हस्तिनापुर चाहता है कि वहां धर्म स्थापना हो। हस्तिनापुर आप सबको पुकार रहा है वो, और धर्म रथ के पांच चक्र आपके पास है। हस्तिनापुर लौटने का समय हो गया है बुआश्री।